अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी दानिश। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। अच्छा, तो जो आज का हमारा व्लॉग है, इसमें हम आपको दिखाएंगे 50 इंच में जिसका 55 इंच का डब्बा होता है, अंदर से 50 इंच आती है। जो पूरी कंपनियों को चैलेंज है कि इस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन रेजोल्यूशन इंटरनल क्वालिटी और इस रेजोल्यूशन और इसके जो स्पेसिफिकेशन है उस क्वालिटी में कोई एलईडी किसी कंपनी की मेरे साथ कंपैरिजन करवाओ। कंपनी की बात करो, ओरिजिनल जो आउट ऑफ कंट्री है उनके साथ नहीं, जो पाकिस्तानी कंपनी है उनके साथ उनका नाम नहीं मैं लूंगा। बकाया जो ये क्वालिटी है, ये मैं कह रहा हूँ कि सबसे हाई क्वालिटी आ गई है, ठीक है, और ये फुल ऑप्शन में है। तो आए आपको दिखाते हैं। ये मॉडल है, ठीक है, इसमें आपको ड्यूल रिमोट की ऑप्शन मिलती है। एक ही इसका अपना रिमोट है, जिसके रिमोट में आपको YouTube मिलता है, Netflix मिलता है, www. ब्राउजर की ऑप्शन मिलती है और माउस की ऑप्शन मिलती है। इसका जो रिमोट है ये लोकल रिमोट है, ये रिमोट नहीं है कि मकसद की आम और डबल सेंसर हो, नहीं, सिंगल सेंसर हो। इसमें आपको ड्यूल सेंसर की ऑप्शन मिलती है और इसका जो रिमोट है फुल ऑप्शन में रिमोट मिलता है। एक ही इसका अपना रिमोट है, ठीक है, जो कि ये डैमेज भी नहीं होता, जल्दी चेक करें, जो मर्जी करो ये टूटेगा नहीं। ये इसका अपना रिमोट है और ये इसका वॉइस रिमोट है। जो इसका वॉइस रिमोट है ये आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल से है, ठीक है। इसके रिमोट में आपको होम की ऑप्शन मिल जाती है, ब्लूटूथ की ऑप्शन मिल जाती है, माउस की ऑप्शन मिल जाती है, HDMI की ऑप्शन मिल जाती है और फुल ऑप्शन में मिलती है। और ये LED है जो आपके सामने है, 55 का इसका डब्बा लगा हुआ है। स्क्रीन साइज इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जैक्ट 50 इंच है। इसका जो बॉक्स होता है वो 55 इंच का बॉक्स होता है। बॉक्स की तरफ आपने नहीं जाना, जो स्क्रीन साइज होती है वो एग्जैक्ट 50 इंच है, वो मेजरमेंट आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो इसकी जो बैक बॉडी है, बैक बॉडी चेक करेंगे तो बैक बॉडी इसकी टोटली मेटल है। ये मेटल है, ये प्लास्टिक है, टोटल मेटल लगा हुआ है यहाँ पे। और इसकी अब आपको स्पेसिफिकेशन रेजोल्यूशन इंटरनल क्वालिटी आपको भी दिखाते हैं। सबसे पहले इसके बेजलेस पे चेक करें, इसके बेजलेस पे प्रॉपरली लॉक लगे हुए, टेप वाला कोई सीन नहीं है। अभी एलईडी का मेन डिस्प्ले हमारा आपके सामने आ चुका है। इस एलईडी में सबसे पहले आपको ऑप्शन मिल जाती है, ये सबसे पहले इन्होंने वार्निंग का स्टिकर लगाया हुआ है, इसको आप बेशक उतार भी दो कोई मसला नहीं, ये आपको उतार के दिखा दूं ताकि आपको बिल्कुल साफ एंड क्लियरली नजर आए। ले जनाब, अब इस एलईडी में सबसे पहले आपको मिल जाती है DTV की फैसिलिटी। DTV होता है डिजिटल टीवी, जो कि आम हमारे जो केबल वाले नहीं होते वो कहते हैं कि डिजिटल टीवी का बॉक्स लगाए 8-9 हज़ार रुपये का वो बॉक्स लगा देते हैं। इस एलईडी में वही ऑप्शन पहले की अवेलेबल हो चुकी है DTV की, डिजिटल टीवी की। ये ATV है इसकी आम केबल के लिए, ये AV है एक्स्ट्रा बुफर के लिए। और सबसे बड़ी बात, मेन बात इसमें ये है कि इसकी अगर आप मोड पे प्रेस करोगे ना, मोड पे, तो इसके मोड पे आपको ट्रिपल HDMI की ऑप्शन मिली है कि आप एक एक वक्त पे 3-3 HDMI LED पे लगा सकते हो। फिर आपने बैक आओगे सिस्टम पे प्रेस करोगे, सेटिंग पर आने के बाद, नेटवर्क पे आने के बाद वायरलेस पे आ जाना। यहाँ पर जो भी आपके नेट का नाम होगा वो इधर आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपने अपने नेट का पासवर्ड दे देना है। हमारे नेट का पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 8, इसको आपने ओके कर देना है। ये सेव्ड होने के बाद कनेक्टेड हो जाएगी। फिर आपने बैक आना है, बैक आओगे, मैं माजरत के साथ करता हूँ क्योंकि पीछे हमारे बुफर लगे हुए हैं जिसकी वजह से आवाज़ आपको हमारी थोड़ी कम आ रही हो। जाहिर सी बात है उनका भी काम है, वो भी कस्टमर को चेक करवा रहे होते हैं, तो आपको थोड़ा सा उनको इंटरवॉन करना है। बड़ी आप चेक करें, बैक आने के बाद ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ पर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आ रहा है एड अ ब्लूटूथ रिमोट। इस रिमोट पर प्रेस करोगे तो ये आपका जो रिमोट है ना, ये अभी आपने पेयरिंग करना है इसके ब्लूटूथ के साथ। 3 2 1 ये आपके सामने अभी ब्लूटूथ में रिमोट पेयरिंग होगा। चेक करें, ये जनाब आपका ब्लूटूथ के साथ आप रिमोट पेयरिंग हो चुके हैं। अब इस रिमोट को आप जहाँ पे मर्जी रखें एलईडी वर्ड केबल करेगी। इसका रिमोट अब इसके सेंसर के साथ नहीं है, इसका रिमोट इसके ब्लूटूथ के साथ हो गया है। सिस्टम इन्फो पे प्रेस करोगे, 11 वर्जन शो कर रहा है मगर फेक है, रियल 9 वर्जन है, 1.5 GB मेमोरी प्लस 8 GB इंटरनल ओपन ओवी ओरिजिनल है। नीचे आओगे तो सिस्टम अपग्रेड में करंट वर्जन इसका लेटेस्ट है, कल को नया सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली अपग्रेडेबल करता जाएगा। नंबर ऑफ प्रोसेसर इसका क्वाड क्वाड है। फिर आपने बैक आना है, बैक आओगे इसके 3 डॉट मतलब के मोड ऐप्स पे प्रेस करोगे तो इसमें आपको गूगल प्ले स्टोर, टीवी असिस्टेंट, यूट्यूब, MSN, नेटफ्लिक्स, काइंड लिंक, इनविजिबल आर्ट, ऐप स्टोर, ओपन ब्राउजर या फेसबुक की ऑप्शन मिल जाती है। ये इसका काइंड लिंक है, अगर आपने अपने मोबाइल का डिस्प्ले एलईडी पे लाना हो ला सकते हो। इनविजिबल आर्ट्स है कि अगर आपने स्क्रीन सेवर चलानी हो ना, मकसद के जब आप कोई भी चीज़ नहीं प्ले करोगे तो ये इनविजिबल में ये भी लग जाएंगे।
और ये इसके इसके एड जो डिफाइन पे प्रेस करोगे तो आप इसमें अपनी पिक्चर भी लगा सकते हो इन इनविजिबल की जगह, फिर बैक आना है। गूगल प्ले स्टोर ऐप स्टोर फैसिलिटी अवेलेबल है और ये इसकी डायरेक्ट यूट्यूब है। इस पे ना आपको अपनी ईमेल आईडी लगाने की जरूरत है, कोई चीज लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपने नेट का पासवर्ड लगाना है, डायरेक्ट यूट्यूब चलानी है। ऊपर सर्चिंग पे आने के बाद जो सर्च करना हो सिंपल आप कर सकते हैं। और ये आप चेक करें, ये इसका वॉइस मोड 8K वीडियो अल्ट्रा हाई डेफिनेशन, ये आपके सामने बिल्कुल क्लियरली सर्चिंग करेगा। उसके बाद अगर आप इसकी रेजोल्यूशन की बात करें तो इसकी जो रेजोल्यूशन है वो आप चेक करें, ये सबसे पहले इसको हम डिटेक्ट वीडियो पे लाते हैं। साइड पर इसकी सेटिंग है, सेटिंग पर प्रेस करोगे क्वालिटी है 2160p ओरिजिनल 4K रेजोल्यूशन। इसको चलाने के लिए मैक्सिमम आपकी नेट की स्पीड 6 से 7 MB से अबव होनी चाहिए जो 4K रेजोल्यूशन होती है। और इसकी रेजोल्यूशन देखोगे तो बिल्कुल क्लियरली है, कोई मकसद के नहीं है। और सबसे बड़ी बात इसके आगे ग्लास लगा हुआ, बच्चे वगैरह कुछ मारेंगे डैमेज नहीं होगी। माशाल्लाह से बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन क्वालिटी है, मुकम्मल वारंटी है आपको हर तरह की। और डिलीवरी हमारी ऑल ओवर पाकिस्तान बिल्कुल फ्री है, लाहौर में कैश ऑन डिलीवरी, आउट ऑफ सिटी पेमेंट एडवांस है बैंक अकाउंट में। और इसकी जो प्राइस है वो सिर्फ 85,000 रुपये है।